और सुनिए, अब बात कर रहे हैं बाढ़, बारिश और आफत की। तो देखिए, प्रदेश में सक्रिय मानसून का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की अगर माने तो अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। अगले 3 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, दौसा, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर और नागौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इन जिलों में मध्यम से लेकर अत्यधिक बारिश होने की आशंका है। कहीं कहीं पर भारी बारिश की भी संभावना है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर, बूंदी, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, पाली, बीकानेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और इन सभी जिलों में मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, मानसून लगातार प्रदेश में सक्रिय है और खासतौर पर जो पूर्वी इलाका है उसमें अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 दिनों से लगातार बारिश यहां पर दर्ज की जा रही है। खासतौर पर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 3 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। कभी रुक रुक कर तो कभी झमाझम बारिश, कभी तेज बारिश यहाँ पर दर्ज की जा रही है और इसका खामियाजा जो है वो जयपुर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। जयपुर की बात कर रहे हैं तो देखिए, जिले के सामोद इलाके में पिछले 4 घंटे से हो रही झमाझम बारिश के बाद महार कला गांव में स्थित मालेश्वर महादेव में बहने वाले झरने भी अब उफान पर आ चुके हैं। पानी के बहाव तेज होने के चलते प्राकृतिक कुंड पर लोगों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं तो वहीं पिकनिक मनाने के लिए भी लोगों का हुजूम उमड़ता है। और तेज सावन में आपको बता दें कि पहली बार झरने में इतनी तेज पानी की आवक हुई है और साथ ही उफान पर भी अब है तो वहीं लोग जो है वो दूर से ही झरने को निहारने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप सोनी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार चल रहा है, ऐसे में नदी नाले उफान पर है लेकिन साथ के साथ जो प्राकृतिक कुंड है और झरने जो है वो अब उफान पर आ चुके हैं, क्या स्थिति और साथ ही लोगों के लिए किस तरीके के अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए, राजधानी जयपुर की बात की जाए तो सामोद जो इलाका है वहाँ पिछले 2 दिन से लगातार झमाझम बारिश है और आज जो बारिश हुई है इसमें जो मालेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ प्राकृतिक झरने और प्राकृतिक झरने इस समय उफान पर है क्योंकि आज तेज पानी की आवक हुई है, तेज झरने चल रहे हैं। साथ ही आज शनिवार का दिन है यानी छुट्टी का दिन है तो लोग पिकनिक मनाने के लिहाज से प्राकृतिक नजारे को देखने के लिए मालेश्वर पहुंच रहे हैं। यानी शनिवार और रविवार के दिन मालेश्वर महादेव के मंदिर में भीड़ होती है और सोमवार के दिन कांवड़ियों के साथ में श्रद्धालु मालेश्वर महादेव को मनाने के लिए पहुंचते हैं। आज की बात की जाए तो यहाँ पानी की तेज आवक होने के कारण से झरने में उफान है। साथ ही एहतियात के तौर पर अब झरने के पास लोगों की आवाजाही करने के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही मंदिर कमेटी ने चारों तरफ से तार बाउंड्री करवा दी है ताकि इस तेज पानी की आवक में कोई जाए नहीं और किसी तरह से कोई जनहानि ना हो जाए क्योंकि पहले यहां ऐसा होता रहा है लेकिन फिर भी लोग दूर से झरने को निहारने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। यानी दूर खड़े होकर हर कोई अपने मोबाइल फोन में उस वीडियो उस फोटो को कैप्चर करने की कोशिश जरूर कर रहा है, झरने के पास में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन डर भी है क्योंकि सेल्फी लेते समय कई बार पत्थरों पे पांव फिसल जाता है। इस तरह के अमूमन कई घटनाएं सामने आती हैं लेकिन यहाँ एहतियात बरता जा रहा है। अंकुर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है प्रदीप कि एहतियात बरता जा रहा है और साथ के साथ प्रशासन इतना सजग है कि प्रतिबंध लगा दिया गया है यहाँ पर जाने से और साथ के साथ लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, करौली का रुख कर रहे हैं जहां पर करौली में बारिश का दौर लगातार जारी है और सुबह से अब तक 166 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर चल रहा है। बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो चुका है। रेलवे रिजर्वेशन केंद्र के बाहर भी, रामद्वारे के सामने, बग्घी खाना क्षेत्र में, इसके अलावा पुरानी कलेक्ट्रेट चौराहे पर, हटवाड़ा बाजार समेत कई जगह ऐसे हैं जहां पर इस वक्त जलभराव हो चुका है। बारिश से पांचना बांध में भी प्रति सेकेंड 8,000 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है।
तो ये करौली की सड़कों के हालात आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं, साथ के साथ बांध भी ओवरफ्लो हो रहा है। तो वही राजधानी जयपुर के चौमू में बारिश के साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बरसात से लोगों को राहत मिली है, लेकिन बारिश अब आफत बनती भी नजर आ रही है। निचले हिस्सों में बारिश का पानी भरने से लोग परेशान हैं। नेशनल हाईवे पर वीर हनुमान पुलिया के पास में हाईवे की सड़क ही धस गई। सीकर बीकानेर जाने वाले इस हाईवे पर हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, और ऐसे में सड़क धसने की वजह से गहरा गड्ढा हो चुका है। समय रहते NHAI ने ध्यान नहीं दिया तो फिर बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों ने वाहन चालकों की सुविधा के लिए गड्ढे के आसपास कंटीली झाड़ियां और पत्थर रख दिए हैं, ताकि चालक को दूर से ही ये गड्ढा नजर आ सके।